के मतदान के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटिहार के डुमरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां वो काफी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुसलमानों को भी संदेश दिया, कहा कि भाजपा के साथ हमारा नाता 1995 से ही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। यहाँ वो लालू यादव को लेकर कुछ व्यक्तिगत भी हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, इतना नहीं करना चाहिए था, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आगे नीतीश कुमार ने कहा, उनकी बेटियां और दो बेटे पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं। वो वास्तव में क्या करते हैं, वो अपनी सनसनीखेज टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि पति पत्नी की सरकार ने 15 साल में बिहार को गर्त में धकेला है, मुसलमानों को भी कुछ नहीं दिया। भाजपा के साथ हमारा रिश्ता 1995 से है। 10 लाख नौकरी 2020 में शुरू 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। तेजस्वी यादव हमारे ही काम का क्रेडिट ले रहे हैं, हर जगह झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की इस टिप्पणी के बाद राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने लालू परिवार के खिलाफ किए गए शब्दों के चयन के लिए नीतीश कुमार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश का बयान अशोभनीय है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने दावा किया कि लालू परिवार पर नीतीश की व्यक्तिगत टिप्पणी स्पष्ट करती है कि नीतीश के पास राज्य के वर्तमान और भविष्य के बारे में अपने दृष्टिकोण के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। बता दें, कटिहार में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इस सीट से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी चुनावी मैदान में हैं।